रूसी सैनिकों की वापसी की खबरों पर एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। रूस ने दुनिया को गुमराह करने के लिए चली थी चाल। सेना वापसी का दावा अमेरिका को गुमराह करने की रणनीति है, यह कौन कह रहा है? यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और जो सेना की वापसी का दावा किया गया था रशिया की तरफ से और इसके समर्थन में तमाम वीडियोस भी जारी किए गए थे, उस दावे को बताया गया है झूठा। और वहीं यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, लगातार नियमों की अनदेखी कर रही है रशियन सेना, यह कहा गया है यूक्रेन की तरफ से। 24 घंटे में ही रूसी सेना ने 50 बार नियम तोड़े हैं। हम लोग संयम से काम ले रहे हैं, ये बताने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से। हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को रूसी हरकतों की जानकारी दे दी है। हमारी धरती पर कोई भी कार्रवाई उकसाने वाली मानी जाएगी, ये कह दिया है यूक्रेन ने रूस को। सीधे सीधे यूक्रेन एक तरह की चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। अमिताभ सिंह जी, इस वक्त किस तरह के हालात आप देख रहे हैं और यूक्रेन के ये बयान और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये कहना कि सारे संकेत, सारी पोजीशनिंग ये बता रही है कि रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है, हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अमेरिका तो बहुत दिनों से यूक्रेन को ये चेता रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है और आप पूरी तरह तैयार रहें। यूक्रेन ही सिर्फ यही नहीं चाह रहा था, यूक्रेन को लग रहा था कि शायद युद्ध की संभावना को टाला जा सकता है, लेकिन पिछले दो दिनों से यूक्रेन भी शायद अब ये मानने लगा है कि युद्ध इमिनेंट है और युद्ध होने वाला है। लेकिन यूक्रेन और अमेरिका और रूस तीनों ये जानते हैं और पश्चिमी दुनिया ये जानती है कि डिप्लोमेसी को अभी भी छोड़ा नहीं जा सकता है। और युद्ध जो होगा, रूस को अगर देखें 2014 के युद्ध के बाद उनका जीडीपी घटा है, उनका नेशनल इनकम घटा है, उनके अगेंस्ट जो सैंक्शंस लगे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये युद्ध होता है, और जाहिर है यूक्रेन बहुत दिन तक स्टैंड नहीं कर पाएगा इस युद्ध को, बिल्कुल, तो उन पर और सैंक्शंस बढ़ाए जाएंगे। जो इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, उनको उनके हित में और जो भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है वो पश्चिमी दुनिया लगाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 का है, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है, उससे रूस की आर्थिक हानि बहुत ज्यादा होगी। और अगर स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया तो जो बाकी गैस ट्रांजैक्शंस होता है यूरोप के साथ, यूक्रेन, बेलारूस, जर्मनी और जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनके साथ, वो सारा बंद हो जाएगा। तो ठीक है, रूस भी ये जानता है, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तमाम आशंकाएं हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।